गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। और अभी हो गई है आज अगली सुबह और सामने सब लोग और सीए साहब ऑर्डर करने पर लगे हुए हैं। आप लोगों को भी कुछ मंगाना हो तो बता दीजिएगा, सबके रेट बताते जा रहे हैं और मंगाते जा रहे हैं। 112 रुपए किलो राजधानी का। और पापा तम्बाकू खा रहे हैं तो हम उसको नहीं प्रमोट करते, तो जो भी देख रहा हो तम्बाकू की तरफ ना बढ़े। और सीए साहब ने अभी तक 6000 रुपए का बिल रीच कर लिया है, है ना। अब और क्या मंगाना है वो बताइए, बताइए आप लोग, गाइस आप लोग बताइए। हाँ, आपको भी चाहिए हो तो आपके घर भी डिलीवरी कर देंगे। उसके लिए पैसे मुझे पेटीएम कर देना, पहुंचवा देंगे आपके घर। वो चावल मंगा लो फिर, राइस। हाँ, ओम भाई के लिए चावल तो मंगाने पड़ेंगे ना। और कूटू मंगाई लिया है, कूटू आलू है, आलू की पकौड़ी भी हो गई। हाँ, आज प्रियांक को चीला दिया है बना के, बंद तो गया चीला, अब खाया तो है नहीं मैंने, प्रियांक को ही दिया है। इंडिया गेट बासमती, हाँ, पांच मंगाओ अभी रखा है ना वो, है ना। पहले हाँ। और मैंने तो अपने लिए ओट्स मंगाए हैं। अब त्योहार आ रहे हैं ना तो मैं पतली होंगी। देख गया पकड़े गए तुम, पकड़े गए। गाइज ये देखिए, सुबह सुबह इतने ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हो गए हैं 7000 रुपए। और सर पकड़, सर में हाथ घुसा लिया है ऐसे करके तो, पर कोई नहीं, ये सारा खाने पीने का ही सामान है अधिकतर। और बता सकता हूँ, हाँ वीडियो दिखा दिया। हाँ, अब सामान आएगा तब दिखाऊंगी क्या क्या मंगाया। नाखून तो गाइस, उसी सारे काम के बाद, सुबह के काम के बाद अब हम भी चलती हैं काम पे। और सीज आप तो चले ही गए थे, सारा काम हो गया, प्रियांक भी आया नहीं है, भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं जैसा कि मैंने कल बताया ही था। तो बोलिए राधे राधे। और अब निकल लेते हैं बाहर। ये जो सामान आया था ना सुबह, मैं साफ करके गई थी और ये सामान आया, ये सब गंदा कर गए। उस टाइम पे बारिश हुई थी थोड़ी सी, सब गंदा कर गए। इधर मम्मी अपने पूजा के बर्तन धो रही हैं और ये हमारी तुलसी जी हैं। अभी मैं बाहर भी दिखाती हूँ आज आपको पौधे। तो ये देखिए, आज मैं कई दिनों बाद आपको दिखाती हूँ। ये एक पौधा है, मुझे नाम तो पता नहीं है इसका, इस पर फूल आ रहे हैं पीले पीले इधर, उस पर आ रहे हैं रंग बिरंगे कई रंग के। और ये हरियाली पकड़ रहे हैं सब, क्योंकि ओ मम्मी मम्मी अपराजिता पे फूल आ गया। तो इस वेल, ये मुझे मेरी एक पेशेंट है उनकी, मतलब मम्मी ने दी थी, मैं गर्मियों में लाई थी इसे और ये सूख गई है ना, दो दी थी और ये सूख गई। और ये देखिए फर्स्ट फ्लावर अपराजिता का आया है, मुझे इतना मन था ना इसके लिए, देखो कितना सुंदर लगता है, आ गया फूल उस पे, है ना। और ये बड़ी मुश्किल से बारिश में अब चली और बहुत छोटी सी दी थी आंटी ने मुझे, और फूल आ गया, आज बड़ी खुशी हो रही है। और इधर ये अभय ने, अभय को स्कूल से मिला था ये वाला प्लांट, इस पे भी फूल आते हैं और ये हमने खरीदा ही था, है ना। और ये पता नहीं गुलाब को क्या नज़र लगी है, मुझे समझ में नहीं आता, गुलाब नहीं होते हमारे यहाँ पे, है ना। नीला फूल है अपराजिता का। अब ये बेल बस कैसे भी करके चल जाए अच्छे से। और ये लेमन ग्रास है। तो यही है हमारा अभी छोटा सा गार्डन, चाय में पियो खुशबू लो। और ऐसे ही है, उधर तुलसा जी भी हैं। और ये हमने यहीं वेव सिटी में से ही दो निकाले थे, ये वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए थे। और यहाँ पे तुलसा जी हैं ये, और देखो छोटे इधर भी मैंने ना कुछ बीज बोए हैं फूलों के, अभी तो मुझे पता नहीं कौन से हैं किस तरीके के निकलेंगे, है ना। और ये देखो एक और फूल है सफ़ेद रंग का, है ना। तो यही है हमारा गार्डन छोटकू सा, है ना, श्रीधरा के आगे ऐसे रखा हुआ है, अच्छा लगता है। हाँ मैंने दिखा दी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, टाइम हो रहा है मेरा, लेट हो जाएंगे, बाकी आगे दिन में आगे बात करेंगे। चलिए, और मेरे पापा आ चुके हैं, आ चुके हैं, प्रियांक के पापा आ चुके हैं। और क्या लाए हैं? पनीर। प्रियांक क्या लाए हैं? तो गाइस हो गई है शाम और अब हम बना रहे हैं रात का, रात हो गई है और अब हम बना रहे हैं रात का डिनर। तो प्रियांक डिनर में क्या बन रहा है? डिनर में बना है हमारा पराठा। पराठा बन रहा है, सारे चीला।
चीला बन रहा है गाइस। तो अभी हम प्रियांक के लिए चीला बना रहे हैं और ये आ चुका है पनीर, आप देख सकते हैं ये रहा पनीर। और अब हम प्रियांक के लिए बनाते हैं चीला फटाफट से। प्रियांक का चीला रेडी हो चुका है और प्रियांक की डाइनिंग टेबल यहीं पर ही है मेरे पास ही, यहीं पर बैठकर प्रियांक अपना जो चीला है वो एंजॉय करेंगे विद केचप, केचप के संग। और ये थोड़ा वो भीगे रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, नो बादाम भी हैं और वो भी हैं, अरे यार इनको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं छुआरे ब्रेन। तो प्रियांक हम रात को भिगाते हैं। तो अब मैं प्रियांक को सर्व कर देती हूँ। सो गाइज ये प्रियांक की प्लेट हमने रेडी कर दी है जिसमें पी फॉर प्रियांक एंड ची फॉर चीला सी फॉर चीला एंड वो अभी ठंडा हो रहा है, थोड़ी भाप निकल रही है बिकॉज प्रियांक गर्म नहीं खा सकता है। तो अभी ठंडा हो जाए उसके बाद प्रियांक हाँ इंजॉय करके बताएगा कैसा है। मुंह जल जाएगा प्रियांक का। सो गाइज चटनी के साथ सी एस आपके लिए भी और प्रियांक की ही प्लेट में आ चुके हैं चीला। ये सारे ले रहे हैं, प्रियांक का भी है। प्रियांक का तो वो आधा है, प्रियांक इसमें खा ही रहा था। तो आप और प्रियांक संग संग खाइए जैसे कि आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ जाए, क्योंकि हमारे बीच का तो बढ़ नहीं पा रहा है ना, तो इसीलिए ये प्रियांक ने बता दिया। ठीक है तो कैसे बने हैं ये साहब? बहुत अच्छे बने हैं। चीला तो वैसे भी, पर आजकल मैं ज्यादा चीला इसलिए खिला रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा हेल्दी खाना खिलाया जा सके। ओके तो गाइस करो टेस्टी चीला। खाने के बाद आज हम लोग ऊपर से धक्के मार के पचाने आए हैं। ऊपर से देखो मेरा तो पच चुके हैं क्योंकि मैंने तो लगा लिया 5 राउंड, प्रियंका का पहला राउंड है। झूठ, कितनी देर से लगा रहा हूँ मैं? 5 मिनट ही पहले आए हैं बस। 5 मिनट 5 राउंड लगते हैं है ना। और हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि मम्मा क्यों नहीं व्लॉग बना रही, मम्मा का मन नहीं कर रहा इसलिए पापा बना रहे। पापा व्लॉग बना रहे, आप लोग सोच रहे होंगे ना, और ना सोच रहे हो तो सोच लीजिएगा। ठीक है ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारे फार्म हाउस है जहाँ ये हमारे जगह, ये हमारी है, हमने खरीद के डाल दी है, वो पड़ी है। फार्म हाउस खरीदते हैं ना लोग, हमने ऐसी खुली छोटा की, हमने अभी बाउंड्री नहीं करवाई, करवा लेंगे जल्दी, बाकी न्यूज में तो आता ही रहता है। हाँ न्यूज में तो आएगा ही है ना, थोड़े बहुत धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, थोड़ी ज्यादा और ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होते हैं। तेरी साइकिल में क्या हुआ? खराब हो गई इसके आगे के। अच्छा तो डॉक्टर साहब कुछ कहना है? नहीं बस आज का यही व्लॉग था, अब हम कोशिश कर रहे हैं हेल्दी हेल्दी खाने की। और तो बस आज ये आपको पसंद आया चीला और पचाने की और थोड़े बहुत पतला होने की। तो अब बने रहिए आप नेक्स्ट व्लॉग के लिए और नेक्स्ट व्लॉग को भी पूरा देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।